और सहारनपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 1.5 करोड़ कीमत की स्मैक बरामद की है पुलिस ने। 2 स्मैक तस्कर पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जिले में अलग अलग जगहों पर स्मैक की सप्लाई होनी थी। आरोपियों पर पहले से ही इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1.5 करोड़ कीमत की स्मैक की बरामदगी हुई है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद की कविनगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके साथ ही अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए 4 अभियुक्तों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 मोटरसाइकिल, 1 अदर तवंचा और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। पासपोर्ट में भी 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत और हुए। एक योजना के तहत क्षेत्र से जो है लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। मेरठ शामली हाईवे पर कार सवार 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरोह दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गांजा सप्लाई करता है। टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करा, जिसमें 2 तस्करों को दबोचा गया। 1 तस्कर इसमें थाना दोगढ़ जनपद बागपत का है, 1 तस्कर शामली का है, जिसके नाम क्रमशः इमरान और शकील हैं। 2 तस्कर भागने में सफल रहे हैं, जिनका नाम अयूब और इरफान है, और इनके कब्जे से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख से ऊपर है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं प्रयागराज से जुड़ी हुई। शिक्षक भर्ती में FIR दर्ज करने की अर्जी खारिज हो गई है। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने यह अर्जी दी थी। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप उन्होंने लगाया था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन ये याचिका खारिज हो गई है। शिक्षक भर्ती में FIR दर्ज करने की अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने यह अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में FIR